आपने वो फिल्म तो जरूर देखी होगी, शादी में जरूर आना, जिसमें लड़की एक अफसर बनने के लिए अपने पति को शादी वाले दिन छोड़कर चली जाती है। आगे चलकर आप सभी जानते हैं कि वो एक अफसर तो बन ही जाती है, लेकिन उसके बाद लड़के ने बदला लेने के लिए लड़की से भी ऊंचा पद हासिल किया। शायद बदला लेने का इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में। हर तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ज्योति आलोक के ऊपर तंज कस रही हैं, वहीं आलोक ज्योति के ऊपर बड़े सारे आरोप लगा रहे हैं। अब इन सारे आरोपों के बीच लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर इसका नतीजा क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, या फिर ये कहानी आगे किस तरीके से मोड़ लेगी। आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैंने वीडियो के शुरुआत में ही शादी में जरूर आना फिल्म का जिक्र किया था, ठीक उसी तरीके से कुछ इनकी कहानी में भी ऐसा ही मोड़ आने वाला है। जी हां, आलोक ने यह निर्णय लिया है कि अब वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे और ज्योति से भी ऊंचा पद हासिल करेंगे। बड़े सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे सोशल मीडिया पे, आप लगातार देख रहे होंगे कि ऐसा पूछा जा रहा है कि आखिर आलोक ने ही सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों नहीं कर ली। वो अपनी पत्नी को बनाने का जितना क्रेडिट ले रहे हैं, उसी क्रेडिट को अपने आप पर वो अगर लागू करते तो शायद वो भी एक क्लास ए ऑफिसर अभी रहते। तो हिंदुस्तान में छपे खबर को पहले आप ये देखिए, जिसमें लिखा गया है ये कि 3 बार बीडीओ पद के लिए दिया है इंटरव्यू। जी हाँ, इस अगर खबर के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो 2008 से 9 के बीच में उनका भी सपना क्लास ए ऑफिसर बनने का था, लेकिन कहते हैं ना कि पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए या फिर किसी को भी आगे बढ़ाने के लिए किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। शायद अपनी पत्नी को क्लास ए ऑफिसर बनाने के लिए आलोक ने उस वक्त अपने सपनों को मार दिया। वैसे आप जानते हैं कि किसी का भी सपना सफाई कर्मी बनने का तो एटलीस्ट नहीं हो सकता है। जब कोई पढ़ाई करता है तो वो सोचता है कि उसे अच्छा खासा एक नौकरी मिल जाए, जिस पद पर उसे सम्मान भी मिले, पैसा भी मिले और ओहदा भी मिले। कोई सफाई कर्मी बनना नहीं चाहता या फिर जीवन में उसका लक्ष्य ये बनना तो नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं। आलोक के साथ भी यही था, आलोक भी एक क्लास ए ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें जो चीज मिली, जो पद मिला, वो उसी में संतुष्ट हुए। और आगे चलकर जब उनकी पत्नी में उन्हें हुनर दिखाई दिया, जब उनकी पत्नी में उन्हें दिखाई दिया कि आगे चलकर ये कुछ अच्छा कर सकती है, तो उन्होंने पूरा जी जान लगाकर उसे पढ़ाया लिखाया और क्लास ए ऑफिसर बनाया। आज ज्योति IAS का परीक्षा क्रैक करके SDM के पद पर तैनात हैं। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार और UP में ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं घर की शोभा होती हैं। तो घर की शोभा होती हैं तो ऑब्वियसली लोगों को पसंद है कि महिलाएं उनके लिए खाना बनाएं, घर की देखभाल करें, साफ सफाई करें। इसके अलावा वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचते कि बेटियों को या फिर बहुओं को बाहर भेज के पढ़ाना है, IAS की तैयारी करानी है, एक क्लास ए ऑफिसर बनाना है। इस बात की सराहना पूरे भारत से आलोक को मिल रही है। हर तरफ लोग ये बात को कह रहे हैं कि आलोक ने वाकई में बहुत बढ़िया कदम उठाया था अपनी पत्नी के लिए। बड़े सारे स्टेटमेंट भी आलोक की आ रहे हैं स्पीच में। वहीं पर ज्योति से बहुत बातचीत नहीं हो पा रही है, ज्योति अपनी बातों को ज़्यादा रखने की कोशिश नहीं कर रही हैं। एक कल ही के इंटरव्यू में मैंने देखा था कि ज्योति ने कहा था कि उनका जो केस है वो मैट्रिमोनियल एक केस है, अगर उन्हें कोई भी सफाई देनी होगी तो वो कोर्ट के अंदर देंगी, जजेस के सामने देंगी, एक ऐसी जगह पर वो अपनी सफाई को देंगी जहां पर देना वो जरूरी समझती हैं। अब आप सोचेंगे कि आलोक ने ये जो निर्णय लिया है कि वो एक IAS ऑफिसर बनेंगे, क्लास ए ऑफिसर की तैयारी करेंगे, तो आखिर ये नौकरी के साथ कैसे संभव है? तो आलोक ने इसके लिए ऑनलाइन की सुविधा चुनी है। जी हाँ, अब आलोक नौकरी के साथ साथ, अपने पहले नौकरी के साथ साथ ऑनलाइन तैयारी करेंगे और IAS बनने का सपना जो है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था इस पूरी कहानी में। सभी लोगों के मन में ये सवाल थे कि आखिर आगे चलकर क्या होगा, इसका निर्णय क्या आएगा, आलोक क्या करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि यही आलोक का निर्णय है कि आगे चलकर वो अब सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठेंगे, पहले तैयारी करेंगे, ऑनलाइन तैयारी करेंगे, अपनी नौकरी के साथ तैयारी करेंगे और आगे चलकर ज्योति से बदला लेने का उन्होंने ये रास्ता चुना है और क्लास ए ऑफिसर बनकर शायद उन्हें यह संतुष्टि मिले और उसके बाद वो अपने बात को प्रमाणित कर पाएं और उसके बाद ज्योति से वो अपना बदला ले पाएं। आपको कैसा लगा ये आलोक का कदम? आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।